अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द अबेकस नंबर। विच नंबर नंबर अबेकस शो, अबेकस नंबर्स को कैसे शो करता है? इसी तरह से हमने पहले भी एक टॉपिक इससे रिलेटेड जो है वो कर चुके हैं। आज फिर हम लोग लेक्चर नंबर 7 में अबेकस के बारे में रीड आउट करेंगे। देन हम लोग एडिशन सीखेंगे कि हम लोग एडिशन जो है वो कैसे करते हैं। ऑल इफ यू रेडी, गुड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच नंबर डज द अबेकस शो? आपके सामने अबेकस आपको शो की हुई है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो आपको शो कर रहे हैं। हमने खुद राइट करना है कि अबेकस में हमें कौन सा नंबर जो है वो शो हो रहा है। आप लोगों ने पहले इसके बारे में सीखा है कि अबेकस में नंबर्स को शो कैसे करते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स राइट किए हों तो हमने अबेकस में नंबर्स को कैसे शो करना है, ठीक है? लाइक दैट हमारे पास बीट्स हैं इन 10 अबेकस में। हाउ मेनी बीट्स आर ड्रो इन 10 अबेकस? 10 वाले अबेकस में हमने कितने बीट्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं? प्लीज काउंट एंड राइट। 10 में 1 and 2। Now write here 2. 2 beads are drawn in abacus. Then 1, 2, 3, 4. How many beads are drawn in 1's abacus? 4. Now write here 4. We have 24 beads. 2 tens and 4 ones. इसी तरह हमारे पास इस अबेकस में हमने काउंट करना है कि हमारे कितने बीड्स जो हैं वो हमने शो करने हैं। लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी हैव 6 बीड्स इन 10 अबेकस। नाउ राइट हियर 6 बीड्स इन 10 अबेकस। ओके, हाउ मेनी अबेकस इन 1? कौन से होते हैं
प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। ये आप लोगों की असेसमेंट शीट 7 से रिलेटेड है और आप लोगों की काउंट डाउन से लिया गया है पेज नंबर 31। यहां देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने उन्हें अबैकस में कैसे राइट करना है और टेंस और वंस को कैसे राइट करना है। ठीक है, यहाँ आप लोग राइट करेंगे। अब हम लोगों ने ये नंबर्स में शो कर दिया है, अब हम इन्हें शो करने लगते हैं टेंस एंड वंस में। ओके स्टूडेंट, क्लियर? वी हैव 24 टू टेंस एंड 4 वंस, क्लियर। इसी तरह हमारे पास है 61 6 tens 1 ones. We have 6 group of 10 boxes like that। इसी तरह हमारे पास 52 है, इसे हम tens में शो करेंगे एंड ones में 5। लेफ्ट नंबर इज कार्ड 10, 5 is tens and 2 is 1. Now write here 5 and 2. हमने इसे tens और ones में भी शो किया है, abacus में भी शो कर दिया है and numbers में भी शो कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको abacus में numbers को शो कैसे करते हैं, वंस और टेंस को कैसे प्लेस वैल्यू में राइट करते हैं, इसके साथ जो है नंबर्स क्या होते हैं, फिगर्स में राइट कैसे करते हैं, आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके क्लास, ओके। जी स्टूडेंट, अब हम लोग जो है वो एडिशन के बारे में सीखेंगे। Now we are going to learning about addition. What is addition? Addition, add. Add मतलब कि चीजों को जमा करना। Addition करेंगे, आप चीजों को जमा करेंगे, then आप उनको collect करेंगे। Addition मतलब चीजों को plus करेंगे। आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोग जो है वो चीजों को plus कैसे करते हैं। Student, like that you have 10 table in one row and 10 table in one row, ठीक है। 10 table आपकी left side की row में है और 10 table आपकी right side की row में है, तो आप लोग जो है 10 tables और 10 इधर वाले tables को जब आपस में plus करोगे तो ये क्या बन जाएगा, addition हो जाएगा कि हमने चीजों को add कर दिया हुआ है। Like that you have, आपके पास 10 टेबल है एक रो में, इसके बाद 10 टेबल दूसरे रो में है, तो ये हमारे पास, हम इनको क्या कर रहे हैं, एडिशन। एडिशन का साइन जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको हम ऐड करेंगे, जीरो में ये जीरो प्लस करेंगे तो क्या होगा, जीरो की वैल्यू जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो वन जर जीरो, जीरो टू जर जीरो, वो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम प्लस करेंगे तब भी जीरो होगा। वन और वन कितने होते हैं, टू, लाइक दैट आई हैव वन पेंसिल, नो, ओके, देन आई हैव वन मोर पेंसिल, हाउ मैनी पेंसिल वी हैव, टू पेंसिल, नो, राइट हियर टू, तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 20। मतलब कि हमने इसको नंबर्स में भी राइट करने हैं और एडिशन में भी राइट करने हैं। 20 है हमारे पास, अब 20 को हमने कैसे करने हैं, हमने ऐसे किया 20 प्लस 0 तो हमारे पास क्या आ गया 20। अब हमने इसको नंबर्स में कैसे राइट करना है, अब हम लोग जो है इसको 20 हमारे पास आ गया था, अब हम इसे नंबर्स में राइट करें। चलिए आप लोग मुझे 20 के स्पेल बताएं, टी
डब्ल्यू ई एन टी वन. ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास? 19. ओके नो राइट हियर 19. ओके हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन वन आमना? 20. ओके नो राइट हियर 20. तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं, 19 वन आमना कर रहे हैं और 20 जो है वो वन आमना भी है. तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे. ओके ओके 9 आपके पास ऊपर फर्स्ट पे क्या है, 9 आपके पास 9 पेंसिल्स होनी चाहिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई हैव 9 पेंसिल इन माय राइट हैंड. ओके हाउ मेनी पेंसिल यू हैव नाउ, काउंट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाउ मेनी पेंसिल डू यू हैव, 9. ओके ऑल ऑफ यू हैव देम. नो इन माय राइट हैंड आई हैव 9 पेंसिल एंड इन माय लेफ्ट हैंड 0. नाउ 9 एंड 0 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 9. हमारे पास टोटल जो है वो कितनी पेंसिल्स होंगी, 9. नाउ राइट हियर 9. गुड क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है इन द लेफ्ट साइड टेंस. टेंस में हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1. आई हैव 1 पेंसिल. ओके नेक्स्ट सेकंड वन इज आई हैव 2 पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स है आपके पास, राइट हैंड में 1 एंड लेफ्ट में 2. हाउ मेनी पेंसिल वी हैव जब हम एडिशन करेंगे, 3. नो राइट हियर 3. आई हैव 3 पेंसिल, 3 टेंस एंड 9 वंस, 3 टेंस एंड 9 वन. राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, विथ दिस नंबर बिकम 39. नो राइट हियर 39. कौन सा नंबर बनेगा हमारे पास, 39. ये हमने नंबर्स को एडिशन कैसे करना है, देन इनको नंबर्स में वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है नंबर्स को, आप लोगों ने सीखा 39 एंड 20. इसी तरह से जब हमारे पास कॉइन्स होती हैं, ठीक है, मामा इज गिवन मी 10 रुपीज, आई हैव टेक माय लंच इन 5 रुपीज, लेफ्ट हैंड 5, देन 5 जो हमने लंच लिया है वो वाले और 5 हमने हमारे पास जो है उनको एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो इसी तरह स्टूडेंट जब हम लोगों के पास चीज़ें होती हैं डिफरेंट टाइप की, जब हम उन्हें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो उसे एडिशन कहा जाता है. क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं. और एडिशन का साइन क्या होता था, एडिशन का साइन ऐसे होता है जैसे कि हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, वन फ्रेंड इज एंड नाउ दिस इज वन फ्रेंड. जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हमारे पास ये एडिशन का साइन होता है. कौन सा साइन होता है, एडिशन का, जब हम लोग जो है उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं. तो ठीक है, क्लियर, एडिशन किसे कहते हैं और हम लोगों ने एडिशन कैसे करना है, ठीक है, नंबर्स में कैसे राइट करना है और टेंस में कैसे राइट करना है. ओके क्लियर, गुड. स्टूडेंट अब हम लोग जो है वो काउंटिंग इन वर्ड्स में 60 to 70 है वो जो हम सीखेंगे, ठीक है, 60 to 70.
अब हम लोग ने इसमें एडिशन भी आ जाएगा हमारे साथ हमारे पास, और जो है हम काउंटिंग भी सीखेंगे। 60 + 0 तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास 60 + 70 = 70। ठीक है, ये हमने नंबर्स ये एडिशन देन नंबर्स। अब हम लिखेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 60, राइट हियर 60, देन 61, देन 62, 60 + 2 62, 60 + 3 63, 60 + 4 64, ओके, 60 + 5 65, 60 + 67 Now write here 67. Next हमारे पास क्या है, 68. Now write here 69, then 70. जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने काउंटिंग इन वर्ड्स 60 to 70 जो है वो हम लोगों ने सीखी है कि हम लोग काउंटिंग इन वर्ड्स कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन के बारे में सीखा कि एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, टेंस और वंस के बारे में। फिर हम लोगों ने कि नंबर्स को अबैकस में शो कैसे करते हैं, हम लोगों ने इस चीज के बारे में सीखा। तो आप लोगों ने अपने असेसमेंट शीट नंबर जो 7 है मैथ की, वहाँ पर आप लोगों ने काउंटिंग इन वर्ड्स नंबर्स को अबैकस में कैसे शो करते हैं वो आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है। एडिशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को, आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो है हमने आज आपको लेक्चर दिया है, तो आपने इसी लेक्चर को सुनने के बाद देन आप लोगों ने अपने असेसमेंट शीट जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आज काउंटिंग इन वर्ड्स की, टेंस और वंस और नंबर्स को बैकस में शो कैसे करते हैं सब की समझ आए। तो आप लोगों ने ये जो सारा कुछ सीख लिया हुआ है, तो अब आप लोगों ने इनको अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर हमारा।